हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो हम डिजाइन करने वाले हैं ये वाला पोस्टर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा कैनवास, और सबसे पहले हम जहाँ पे आएंगे और अपने प्रोडक्ट को करते हैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड देन हम इसे यहाँ पे रखते हैं। और उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल टूल और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इसके कलर को चेंज करते हैं, तो हम लेंगे यहां से ये कलर, इस लेयर को नीचे लेके आते हैं एंड देन हम फिर से कॉपी करेंगे। तो इसके लिए करते हैं कंट्रोल जे और इसे हम थोड़ा नीचे करेंगे और साइज इंक्रीज करते हैं एंड देन हम बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट करते हैं। एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे एंड सॉलिड कलर, तो यहां से हम लेंगे ब्राइट एंड ओके। इस वाले लेयर को सिलेक्ट करते हैं, एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं ब्रश टूल और यहाँ पे हम लेंगे ब्राइट कलर और हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फिर से एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क और इस पे हम ब्राइट कलर ले लेते हैं। परफेक्ट। फिर से एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं ब्रश टूल और यहाँ से लेंगे हम डार्क कलर, साइड से अप्लाई करते हैं। इस वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क, ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं एंड ब्राइट कलर, सॉरी ये वाला। इसकी ओपेसिटी कम करते हैं, देन फिर से एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं डार्क कलर ये वाला और साइज से। और अब हम लेंगे एक और न्यू लेयर और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल मार्कर टूल और हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब सिलेक्शन बनाना है, और इसमें हम फिल करेंगे व्हाइट कलर। तो इसके लिए करेंगे कंट्रोल बैक स्पेस एंड कंट्रोल डी, राइट क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट देन गो टू फिल्टर ब्लर एंड गॉजियन ब्लर, इसे हम रखते हैं 1 एंड ओके। ब्लेंडिंग मोड हम चेंज करेंगे, ओवरले ओपेसिटी कम करते हैं, लेयर मास्क ऐड करेंगे एंड ब्रश टूल साइड पे अप्लाई करते हैं। परफेक्ट। फिर से हम इसे कॉपी बनाएंगे और नीचे लेके आते हैं, हमने यहाँ पे रखेंगे, इसकी ओपेसिटी कम करते हैं देन ओके। और अब इन सभी को कर देते हैं ग्रुप एंड देन हम लेंगे एक न्यू लेयर और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं पेन टूल, इधर से सिलेक्ट करेंगे शेप और जो हमारा फिल है उसे हम ऑफ कर देते हैं एंड देन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ऐसे। फिल पे आएंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं ये कलर, देन हम लेंगे एक न्यू लेयर, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क्स, ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम बनाएंगे सिलेक्शन और इसमें हम फिल करते हैं ये, राइट क्लिक करेंगे एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट देन गो टू फिल्टर एंड गॉजियन ब्लर, रेडियस इंक्रीज करते हैं ओके। फिर से एक न्यू लेयर लेते हैं पेन टूल, देन हम फिर से इस लेयर की कॉपी करते हैं और इसे हम यहाँ पे करेंगे, इसे ऐसे रोटेट करते हैं एंड ओके। अगेन फिर से एक न्यू लेयर लेंगे एंड पेन टूल सेलेक्ट करते हैं,
राइट क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड फिल्टर एंड गॉजियन ब्लर। इसे कॉपी करते हैं, देन फिर से एक न्यू लेयर लेंगे, देन टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐसे राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट देन गो टू फिल्टर एंड गॉसियन ब्लर एंड ओके। ध्यान हम फिर से एक न्यू लेयर लेंगे और अब हमने डार्क वाले पार्ट को क्रिएट करना है, तो पेन टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ऐसे और यहाँ पर हम फिल करते हैं ये कलर, राइट क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड गो टू फिल्टर एंड गॉसियन ब्लर एंड ओके। हम एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे और यहाँ से हम क्लिक करते हैं कर्व और यहाँ पे हम डार्कनेस इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे हम ब्राइटनेस भी, फिर से एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे एंड एक्सपोजर इंक्रीज करते हैं एंड ओके। राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से जो हमारा ब्लेंड इफ हमने यहाँ पे आना है और यहाँ से हम इसे इस तरीके से ड्रैग करते हैं और यहाँ से हम इसे सेपरेट करेंगे, तो इसके लिए हम ऑल्ट होल्ड करेंगे और इसे इस तरीके से ड्रैग करते हैं ऐसे एंड देन हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हैं स्क्रीन एंड ओके। यहाँ पे कुछ सही नहीं लग रहा तो हम एक न्यू लेयर लेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं पेन टूल राइट क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट देन गो टू फिल्टर एंड गॉसियन ब्लर एंड ओके। और अब हम एक और न्यू लेयर लेंगे, यहाँ से जाएंगे एडिट फिल 50% ग्रे एंड ब्लेंडिंग मोड हम इसे करेंगे ओवरले, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं डोज टूल और जहाँ भी हमें हाईलाइट करना है वहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ऐसे एक्सपोजर कम करते हैं परफेक्ट। अगेन हम फिर से एक न्यू लेयर लेते हैं, ब्रश को फ्लैग करेंगे एंड वाइट कलर और जैसे कि हमारा लाइट का इफेक्ट इस तरफ से आने वाला है तो हमारा जो ये वाला पार्ट है वो भी हाईलाइट होना चाहिए, तो हम इसे थोड़ा सा ब्राइट करेंगे ऐसे और यहाँ से हम करेंगे इतना परफेक्ट। ब्लेंडिंग मोड हम स्क्रीन करते हैं, ओपेसिटी कम करेंगे परफेक्ट एंड देन अब हम इस पे वर्क करते हैं, तो हमें सबसे पहले इसके नीचे शेडो क्रिएट करना है, तो हम पहले कर्टन वाले पार्ट को सारे को हम करते हैं ग्रुप, इन्हें सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल जी और हम लेंगे एक न्यू लेयर, ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं, ओपेसिटी फुल करेंगे एंड ब्लैक कलर और यहाँ पे हम शेडो क्रिएट करेंगे एंड ओके। ओपेसिटी कम करेंगे, इस वाले लेयर को हम इसके नीचे लेके आते हैं क्योंकि ये कर्टन के ऊपर आ रहा था परफेक्ट। फिर से इसे कॉपी करते हैं, साइज कम करेंगे, ओपेसिटी कम करते हैं
और अब हम यहाँ पे शेडो क्रिएट करेंगे, तो एक न्यू लेयर ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अब हम इस वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क, और यहाँ पे हम डार्क करते हैं, ओपेसिटी कम करेंगे, एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे एंड यहाँ से हम क्लिक करेंगे कर्व, और यहाँ से हम करते हैं क्लिपिंग मार्क, नीचे की तरफ करते हैं डार्क एंड हाईलाइट, इसकी ब्राइटनेस हम कम करेंगे ओपेसिटी, यानी हम एक न्यू लेयर लेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे एंड वाइट कलर, इसे कॉपी करते हैं, साइज कम करेंगे एंड रोटेट, एंड देन हम इस वाले लेयर को सिलेक्ट करते हैं, एक न्यू लेयर लेंगे, एडिट पे जाएंगे, फिल 50% ग्रे, ओके एंड ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे ओवरले, और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं डोज टूल, और यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड बॉन्ड टूल, इन सभी को हम करते हैं ग्रुप, बैकग्राउंड लेयर को हम थोड़ा डार्क करेंगे इतना, एंड देन टेक अ न्यू लेयर, ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं एंड ब्राइट कलर, और हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर से एक न्यू लेयर लेते हैं और यहाँ से हम लेंगे और ब्राइट कलर, ब्लेंडिंग में हम करेंगे स्क्रीन, फिर से एक न्यू लेयर लेते हैं और इस बार हम सेलेक्ट करेंगे व्हाइट कलर और अप्लाई, साइज कम करते हैं एंड ओके, और अब हम इसका क्रिएट करेंगे शेडो, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे एंड ड्रॉप शेडो, एंगल चेंज करते हैं, नॉर्मल एंड ओके, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट लेयर, ओके लेयर मास्क ऐड करेंगे एंड यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं ग्रेडियंट एंड ओके, परफेक्ट, ओपेसिटी कम करेंगे, यहाँ आते हैं और इसे हम यहाँ से करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट क्लिक करते हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, साइज इंक्रीज करेंगे, एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे एंड एक्सपोजर क्लिपिंग मास्क करते हैं, और इसे हम करते हैं डार्क, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से करते हैं हाईलाइट, फिल्टर पे जाएंगे, ब्लर एंड मोशन ब्लर एंड ओके, और अब हम इन सभी लेयर्स को करते हैं मर्ज, तो इसके लिए करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ए, राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, टर्न गो टू फिल्टर एंड कैमरा रो फिल्टर,
और अब हम फिल्टर पे जाएंगे, ब्लर गैलरी, और यहां से हम करते हैं फील्ड ब्लर। तो आई होप आप सभी को मेरा आज के ये डिजाइन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।